हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ आपको वो थंबनेल से पता चल ही गया होगा। आज के वीडियो में मैं आपको 4K HD अल्ट्रा फोटो एडिटिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि आप 4K HD अल्ट्रा फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दो मेथड बताने वाला हूँ। एक मेथड आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन दूसरा मेथड है वो बहुत ही ईजी है। आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा कि वो कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन होने वाला है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको लाइटरूम एप्लीकेशन में जाने का है। इसमें आपको ऊपर वाला ऑप्शन दिख रहा ऑल फोटो, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस का आइकन दिख रहा है नीचे में। अगर आपको गैलरी में से कोई सा फोटो सेलेक्ट करना है तो आप वहाँ पे जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने पहले से फोटो को सेलेक्ट करके रखा हुआ है तो मैं उसे ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये ओपन होने के बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन दिख रहा है लाइट का, आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है एक्सपोजर, उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। आपको हल्का सा बढ़ा दीजिए। फिर आपको कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है, उसको भी थोड़ा बढ़ा दीजिए, करीब 15-16 कर दीजिए। ये होने के बाद आपको हाईलाइट का ऑप्शन दिख रहा है, हाईलाइट को आप माइनस थोड़ा कर दीजिए, 7-8 कर दीजिए करीब। इसके बाद आपको शेडो दिख रहा है, शेडो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। इसके बाद आपको व्हाइट्स का ऑप्शन दिख रहा है, उसको थोड़ा प्लस कर दीजिए। उसके बाद आपको ब्लैक्स का ऑप्शन दिख रहा है, उसको माइनस कर दीजिए। उसके बाद आप कलर में जाइए, कलर में आपको थर्ड ऑप्शन दिख रहा है वाइब्रेंस का, वाइब्रेंस में आपको प्लस कर देना है, करीब 15-20 प्लस कर देना है। मैं कर लेता हूँ। उसके बाद आप थोड़ा ऊपर जाइए, फिर यहाँ पर आपको मिक्स का ऑप्शन दिख रहा है, मिक्स में जाइए। उसके बाद जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है हुई, तो उसको आप -90 करीब कर दीजिए। उसके बाद आपको सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है सेचुरेशन, उसको आप +45 कर दीजिए, इसको भी करीब +45-50 कर दीजिए। उसके बाद आपको सेकंड वाले ऑप्शन में जाना है, सेकंड वाले ऑप्शन में हुई जो दिख रहा है आपको उसको भी -86 करना है, करीब -86 कर दीजिए। उसके बाद आपको सेचुरेशन का ऑप्शन दिख रहा है, उसको भी -80 कर दीजिए। बहुत ज़्यादा भी एकदम मत कर दीजिएगा कि भूतनी दिखे, देखिए एकदम कितना ज़्यादा खराब दिख रहा है, इसलिए करीब 80 के आजू बाजू कर दीजिए। इसके बाद आपको नीचे में लुमिनेंस का ऑप्शन दिख रहा है, उसको +24 कर दीजिए करीब, कर देता हूँ 24-25 के आजू बाजू रखिए। ये होने के बाद आपको बाकी के जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं सभी में आपको सेचुरेशन को माइनस कर देना है। मैं कर देता हूँ, अब -90-80 कर दीजिए सभी में। उसके बाद आपको लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, लास्ट वाले ऑप्शन में आपको जो हुई है उसमें +6 करना है। उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन है, उसको भी थोड़ा सा माइनस कर दीजिए। उसके बाद लुमिनेंस का ऑप्शन दिख रहा है, उसको थोड़ा सा प्लस कर दीजिए। ये सब हो जाने के बाद आप इसे डन कर दीजिए। उसके बाद आपको ये बाजू में ऑप्शन दिख रहा है इफेक्ट का, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लैरिटी मांग रहा है, क्लैरिटी को आप थोड़ा सा प्लस कर दीजिए। उसके बाद डिटेल का ऑप्शन दिख रहा है, डिटेल में जाइए। पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको शार्पनिंग का, उसको आप थोड़ा प्लस कर दीजिए, करीब 35 के आजू बाजू कुछ कर दीजिए। इसके बाद आपको नीचे जाना है, नीचे में आपको कलर नॉइस का ऑप्शन दिख रहा है, उसको थोड़ा सा आपको प्लस कर देना है 24-25 के आजू बाजू। ये सब होने के बाद आपको नीचे में डिटेल्स का ऑप्शन दिख रहा है, उसको पूरा फुल कर देना है। स्मूथनेस का ऑप्शन दिख रहा है, इसको भी पूरा फुल कर देना है। उसके बाद आपको बाजू में ऑप्टिक्स का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर ये दोनों को ऑन कर देना है आपको। ये होने के बाद आप इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं, आपका ये फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा, सेव टू डिवाइस करके। अभी आप ये देख सकते हैं कि लाइटरूम का इसमें क्या असर पड़ा है। तो दोस्तों, ये हुआ पहला तरीका। अभी मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ जो प्रीसेट के द्वारा आप कर सकते हैं। दूसरे तरीके के लिए आपको गैलरी से वो फोटो पहले सेलेक्ट कर लेने का है जिस फोटो को आप चेंज करना चाहते हैं। अभी मान लीजिए मैं ये वाला फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इस प्रीसेट वाले फोटो का लिंक भी मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे पास 2 बना हुआ है, दोनों का मैं आपको दे दूंगा। अब वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और आप यूज कर सकते हैं। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, 3 पे क्लिक करना है। नीचे में आपको कॉपी सेटिंग पे जाना है, फिर यहाँ पे ईयर को प्लस करना है, फिर इसको ओके करना है। ये आपका सेटिंग कॉपीड हो गया है।
इसके बाद आपको जिस भी फोटो में उसका यूज़ करना है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे भी थ्री डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पेस्ट सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। आपका देखिए जस्ट 2 सेकंड के अंदर ये वाला आपका चेंज हो चुका है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को सब चीज़ समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं कुछ समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।